युवा कांग्रेस विदिशा द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और भोपाल संभाग प्रभारी के नेतृत्व में नीट परीक्षा करवाने के निर्णय के विरोध में HRD के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। श्री शेष नारायण ओझा, कमल सिलाकारी, मोहित रघुवंशी, वैभव भारद्वाज, असलम पटेल सहित समस्त वरिष्ठ एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में नीट परीक्षा करवाने के निर्णय के विरोध में, जिसमें 16 लाख बच्चे बैठेंगे, उनकी जान को कोरोना का खतरा है और उनके परिवार को खतरा है, इसलिए यूथ कांग्रेस ने इसके विरोध में HRD के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि यह एक चाल है जिससे सरकार कॉलेजों से पैसे लेकर बच्चों की जान खतरे में डालने को तैयार है, लेकिन यूथ कांग्रेस इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगी एवं परीक्षा रद्द न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन करेगी। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हर उस माता पिता के साथ खड़ा है, हर उस अभिभावक के साथ खड़ा है जिसके बच्चे को कार लेकर, जिसके बच्चे को एडमिट कार्ड थमा दिया गया है कि उसको आने वाले दिन में परीक्षा देनी पड़ेगी, चाहे वो कोरोना से मर जाए या उसके साथ कोई भी घटनाएं घट जाए। ऐसी शर्मनाक स्थिति करने वाली सरकार के खिलाफ आज हम सभी यूथ कांग्रेस के साथ ही अपने DCC प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, कार्यवाहक प्रेसिडेंट, अपने अग्रजों के नेतृत्व में, हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वैभव जी के नेतृत्व में आज हम सब यहाँ आए हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि इस वैश्विक महामारी में जहाँ एक ओर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के पालन की बात कही गई, इसीलिए हमने उग्र प्रदर्शन ना करके शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन देने का आज प्रस्ताव रखा। मुझे पता चला कि उनका दरवाजा, और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सरकार शिक्षा माफियाओं की दलाली करना बंद करे, छात्रों के भविष्य के बारे में देखें और परीक्षा पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।